कई लोगों ने शायद ये वीडियो देख लिया होगा अभी तक। थप्पड़ की आवाज तो हम सबको आई। चलिए अब देखते हैं कि अपॉलॉजी वीडियो में क्या कहा गया। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मेरे किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ और मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेशा, ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाराजी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब एक मार दी, मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिख रहा है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं, वहां हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहां इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया, हमको हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलत फहमी कोई है तो माफ कर दो, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स टू सी इन दिस वीडियो। फर्स्ट, वेन नाना पाटेकर मेक्स एन आई कॉन्टैक्ट विद दिस गाय एंड देन ही वैक्स हिम एंड देन सडनली हिज फेस चेंजेस, राइट? एंड द लास्ट पार्ट इज वेन ही कीप्स पॉइंटिंग। नाउ एन इंडिविजुअल विल थिंक दैट ओके फाइन, सो दैट बॉय इट वॉज अ फैन एंड द बॉय केम एंड द पिक्चर वॉज टेकन एंड ही डिडंट लाइक दैट थिंग, सो ही जस्ट वैक्स हिम and then just tells that make sure that this kind of people won't come in the set. This one part of it, and then there's another part where the guy in red t-shirt also holds that boy through the neck and he takes that boy away. अब बात करते हैं apology video की। कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर match नहीं कर रही है वो ये कि एक sequence था और उस sequence की वजह से उन्होंने देखा नहीं और उसको मार दिया। तो जब वो आप देखेंगे वीडियो एक बार फिर से, तो उन्होंने प्रॉपर आई कांटेक्ट किया था और उसके बाद उन्होंने मारा था। जब उन्होंने मारा था तो देयर वाज अ प्रॉपर डिसगस्ट फेस ऑन हिज फेस। जब हम अपॉलॉजी वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि एक सीक्वेंस था ऐसा और सडनली वो आ गया और मैंने देखा नहीं और बाद में मैंने ढूंढने की कोशिश की। तो यहाँ पे फिंगर पॉइंटिंग या हैंड जेस्चर्स बहुत मायने रखते हैं कि अगर हमने किसी को गलती से मार दिया और उसको बाद में हम लोग बोल रहे हैं सॉरी, तो कई लोग जो सच में माफ़ी मांगना चाहेंगे, इमीडिएटली यू विल सी देयर बिहेवियर चेंजिंग, देयर नॉन वर्बल जेस्चर्स चेंजिंग, विच इज़ नॉट हैपनिंग इन दिस वीडियो। एंड यहाँ पे अपॉलॉजी वीडियो में एक और डिफरेंस है, वो ये कि कभी प्रोनाउंस में वो बच्चा भाग गया बोला जा रहा है, कभी उनको हमने ढूंढने की कोशिश की ऐसे बोला जा रहा है। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिख रहा है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। तो जब आप रेडी नहीं रहते कि आपको बोलना क्या है और आपको किस तरह से बोलना है, तो प्रोनाउंस में भी गलतियां होती हैं। यू कैन से वो भाग गया और उसको हमने ढूंढने की कोशिश की। तो ये है एक सिंक्रनाइज्ड वे और द कॉन्ग्रुएंट वे। वो भाग गया और उनको हमने ढूंढने की कोशिश की, ये तब आता है जब आप अपने दिमाग में इस चीज़ को लेके सिंक में नहीं है। रीजंस उसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट आपका क्या मानना है प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।